वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आज है ट्यूसडे, मैं रेडी हो गई हूँ कॉलेज के लिए। आई हैव जस्ट फिल्म्ड अ ओटीडी शॉट, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस लुक गो वॉच इट। एंड टुडे वी हैव डिसाइडेड कि हम आपको अपना मॉर्निंग रूटीन दिखाते हैं। अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30, 9 बजे मुझे निकलना है कॉलेज के लिए। निशु बैकग्राउंड में ब्रेकफास्ट रेडी कर रहे हैं मेरे लिए। हेलो, मैं देखो बहुत ही अच्छे वाले टेस्टी वाले गोल गोल पराठे बना रहा हूँ। नहीं, गोल नहीं बनाता हूँ, मैं चॉकलेट पराठे बनाता हूँ। निशु ने रात को बहुत अच्छी सब्जी भी बनाई थी, पालक और आलू की सब्जी बनाई थी रात को, बहुत टेस्टी। तो यही बस मैं भी खाने वाली हूँ और यही मैं लंच के लिए भी ले जाऊंगी। तो चलो थोड़ी सी क्लीनिंग करते हैं। मेरी गोल रोटी तो दिखाओ यार, मेरी गोल रोटी दिखा दो प्लीज। देखो कितनी गोल, अच्छी सी मैंने गोल बना रखी है। ओह माय गॉड, वाओ, आई एम सो प्रो। इतनी गोल रोटी मेरे से भी नहीं बनती। तो कहेगा मैं आज से 6 महीने पहले तक मुझे कुछ भी नहीं आता था, या कुछ नहीं बनाया था मैंने कभी। मैं कहूंगी एक धुआं बहुत हो गया, वो खोल दूं क्या डोर बाहर का? तो रूम की हालत कुछ ऐसी है, तो इसे फटाफट से क्लीन करते हैं। तो ये हो गए रूम क्लीन, अब करते हैं ब्रेकफास्ट। द आर्ट एंड द आर्टिस्ट। और बाय द वे, किसी को अगर हमारी तरह खट्टी मीठी आम की चटनी पसंद है तो ये मैंने रिसेंटली कल ही ऑर्डर करी है, और ये बिल्कुल वैसी रेस कर रही है जैसे पहाड़ों में शादी में क्या बोलते हैं उसे, आम खट, आम की जो खट्टी वाली खट्टी मीठी वाली चटनी होती है बिल्कुल वैसी है ये। खटाई बोलते हैं, आम खटाई। आम खटाई तो हिंदी हो गया, आम खट होता है मुझे लग रहा है। ये मैंने Amazon से ऑर्डर करी है, यूके में। तो वहाँ मिल जाएगी, इंडिया में मिल जाएगी। और जो यूके से अगर कोई देख रहा है और उसे ऐसे कुछ खट्टा मीठा चटपटा पसंद है। नई सब्जी पहली बार बनाई लाइफ में, आलू मेथी की। आलू पालक है? ओह सॉरी, आलू पालक की। निशु ने YouTube ये Instagram में कोई वीडियो देखी थी और वो वीडियो देख के फिर सब्जी बनाई, बहुत अच्छी बनी है। और मैंने भी एक अपनी तारीफ भी कर देती हूँ, मैंने भी एक चिकन सीखा है। बिल्कुल, आप बताओ कैसा है? बहुत अच्छा, जैसे बाबा चिकन। गुड़गांव में बाबा चिकन है ना, अगर कोई गुड़गांव का है वो खाता है चिकन, बाबा चिकन है जैसे, उससे भी अच्छा टेस्ट है। वैसे ही टेस्ट है उससे, मिला बहुत ही यम, बहुत अच्छा लगा मुझे वो। पहली बार मैं ट्राई करूँगी, हम नेक्स्ट डे बनाएंगे तो रेसिपी फाइन करूँगी। और हम लोग ना होम कुक फूड प्रेफर करते हैं मैक्सिमम, और ये एक इजीएस्ट वे है अपनी हेल्थ को बेटर करने का भी, और जो मन हो वो खाने का भी, घर का बना हुआ। तो उसमें मसाले कम होते हैं, घर का रोटी सब्जी दाल राइस ये सब खाते हैं हम, और उसी से नेचुरली फिर हम अपना वर्कआउट भी करते हैं, तो वो आपका बैलेंस रहता है। अब निशु आपको दिखाएंगे कि अपनी चिकन की रेसिपी दिखाइए। अच्छा, तो कुछ नहीं, मैं ट्राई करता हूँ कि मैं चिकन नॉर्मल वो कर लूँ, मैरिनेट कर लूँ, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड है, लेट हो रहा है मुझे, और इसको एयर फ्राई करूँ। तो मैं इसमें कुछ नहीं करता हूँ, मैं इसमें नमक और हल्दी मिलाता हूँ, नमक हल्दी और थोड़ा सा ब्लैक पेपर मैं इसमें ऐड करता हूँ, ब्लैक पेपर नीचे, और मस्टर्ड ऑयल नहीं ऐड करते? मस्टर्ड ऑयल लास्ट में थोड़ा सा बस, बहुत ही कम, ना के बराबर मैं उसमें ऐड करता हूँ, बस इनफ है। और इसको मैं एयर फ्राई कर देता हूँ फिर, ये मैं इसको ऐसे एयर फ्राई में रखता हूँ। ये देख सकते हो आप, मेरा चिकन रेडी है। ये वाइट इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने मसाले यूज़ ही नहीं किए इसमें, थोड़ी सी हल्दी और नमक यूज़ किया है, ब्लैक पेपर। आप लोग चाहो तो इसमें सारे मसाले ऐड करके मैरिनेट करके फिर इसको एयर फ्राई कर सकते हो, जो बहुत ही टेस्टी होता है। एक बार ये हमें विवेक मामा है हमारे यहीं लंदन में, तो यूके में, तो उन्होंने एक बार खिलाया था, तो तब से हमको इसका चस्का ही लग गया। ये मेरा टिफिन बॉक्स जो कि निशु ने वो करा है,
बाय बेब। ओह शिट, आई हेट दिस लिफ्ट। इस लिफ्ट में ना मिरर नहीं है तो मैं ये लिफ्ट पसंद नहीं है मुझे, बट फिर भी हम मेरे बाल खराब हो गए। आज ना हवा नहीं चल रही है तो दिस इज द या वाओ, आज हवा नहीं चल रही है तो ना इतनी ठंड नहीं लग रही है। मैंने ये रियलाइज़ करा है जब भी कॉलेज से आके मैं सो जाती हूँ तो मैं नेक्स्ट डे मेरा बहुत फ्रेश रहता है। इतनी कॉन्फिडेंट कब से हो गई मैं, सामने ना ऐसे करोड़ों लोग आ रहे हैं और मैं वीडियो बना ही जा रही हूँ। लुक, पहले मैं आगे पीछे देखती थी, कोई नहीं होता था तो अभी वीडियो बनाती थी, बट आई थिंक अब थोड़ी ना आदत हो गई है यूट्यूब फिल्म करने की। बीस्ट कॉलेज, शोल्डर रोटेशन, पार्कोर, तो अभी मेरी एक योगा क्लास ख़त्म हुई है, अब मेरे पास 5 मिनट हैं बिफोर नेक्स्ट क्लास, क्योंकि नेक्स्ट क्लास अगेन फिटनेस क्लास है। तो उससे पहले क्विकली मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक ब्लैक कॉफ़ी बना लूँ। योगा में प्रैक्टिस मैंने भी की तो मेरा पूरा बैक इज लाइक पेनिंग लाइक हेल, बट इट्स गुड दैट इज़ फीलिंग गुड दैट व्हेन यू आर टीचिंग एंड यू आर ऑल्सो इम्प्रूविंग यू नो इन टर्म्स ऑफ फ्लेक्सीबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ, in terms of achieving new milestone. So it's a different feeling. 15, come on, keep doing it, keep doing it. Well done, push up, push up, push it up, push it up, keep your back straight, make sure your back is straight, come on, come on, come on, come on, come on. So finally main ho gaya hu free, meri aaj ki classes ho gayi hai khatam and ab maine sona book kar liya tha sona baad ke liye, to main jaldi se jaake steam and sona le aata hu aur saath mein shower bhi karke aa jaunga और फिर उसके बाद शाम को देखते हैं क्या प्लान होता है, क्योंकि लंच तो प्रिपेयर है मेरा। उसके बाद आज शाम से आके लंच करके फिर शाम को मैं सोच रहा हूँ कि आज वेदर विश्व का मैसेज आया कि वेदर इज़ गुड टुडे, फाइन टुडे, नॉट टू कोल्ड, नॉट टू विंडी, तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा आउटडोर आप लोगों से अलविदा। हमारा डिनर बन रहा है अभी, तो ये डिश लगा रही है तड़का दाल में, तो अच्छा रायते में ओ ऑल राइट, तो रायते में पैर भी जला लिया। तो हम लोग अभी अपना डिनर विनर करते हैं। आज का दिन थोड़ा सा हेक्टिक था और तो मैं भी बहुत थक गया हूँ और दिशु भी बहुत थक गई है। हम लोग डिनर करके लेते हैं आप लोगों से अलविदा। चलो आज बाय कर लो, bye, thank you so much for watching and giving so much love, और आप comment क्या करो जो भी आपको उसमें अच्छा लगता है या जो भी आपकी suggestion हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा comment करें ताकि हमें और motivation मिले या फिर हमें पता चले कि आप लोग कितना प्यार करते हैं। तो stay tuned for the next video, till then bye, good night. जैसी लग रही हूँ। The art, मैंने सब्जी पहली बार बनाई आलू मेथी की, अभी बहुत नीचे कर दो, अच्छा लग रहा है। रेसिपी जो उसने विवेक उन्होंने जो उसने मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ। Now Nishu will show you the his recipe, the his. अब निशु आपको दिखाएंगे अपनी चिकन की रेसिपी। लग रही है।